हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ शिवलिंग बीज और पुत्रजीविक बीज के जो भी फ़ायदे हैं वो सारे आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले भी मैंने शिवलिंग बीज और पुत्रजीविक बीज इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी बनाया है, तो ये थर्ड पार्ट है। जिनको भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे थे इसलिए मैंने ये थर्ड पार्ट बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँगी शिवलिंग बीज क्या है। शिवलिंग बीज जो है एक जो शिव का बीज लिंग होता है उस टाइप का ही एक शिवलिंग बीज है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये शिवलिंग जैसे दिखते हैं इसलिए इन्हें शिवलिंग बीज कहा जाता है। तो शिवलिंग बीज के जो फ़ायदे हैं तो मैं बता दूँ आपको, शिवलिंग बीज जो है गर्भधारणा में एक प्रमुख औषधि है। इसके अलावा यह बुखार, स्किन की कोई भी समस्या हो, पुरुष की यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसे बहुत सारे रोगों में ये जो है फ़ायदेमंद है। पाचन तंत्र के कोई जो है इनडाइजेशन, इस तरह की जो बीमारी है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। वृद्धि ठीक करना, गर्भधारणा में जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे कि प्रजनन का सीधा सीधा संबंध अंडाणुओं और शुक्राणुओं की संख्या और स्वास्थ्य से, लेकिन जैसे ही शिवलिंग बीज ओवेरियन रिजर्व जैसे समस्या को दूर करते हैं और मासिक धर्म को नियमित करते हैं। इसके बीज चूर्ण का प्रयोग गर्भधारणा हेतु किया जाता है। इसका जो है चूर्ण बनाएंगे अगर आप तो ये शिवलिंग बीज का, तो ये जो है गर्भधारणा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जिस स्त्री या पुरुष को संतान की प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के 4 दिन बाद से 1 माह तक, ये मैं फिर से कहूँगी, स्त्री या पुरुष संतान को संतान प्राप्ति करने के लिए मासिक धर्म के 4 दिन बाद से 1 माह तक सुबह शाम शिवलिंगी बीज 1 ग्राम की मात्रा खाली पेट दूध के साथ सेवन करने से जो है उनको स्त्री या पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और जैसे ही उसी तरह जिनको पुत्र प्राप्ति चाहिए यह कामना करें कि ये जो बच्चे वाली गाय होती है उसके जो उसका जो दूध होता है उसके साथ इस शिवलिंग के चूर्ण को लीजिए। और जिसको स्त्री संतान चाहिए, वो लड़की चाहिए प्राप्ति की कामना करता है, उनको ये बछड़े वाली जो गाय के बछड़ी वाली गाय के साथ इसका दूध का सेवन करना चाहिए। वैसे ही जिन महिला को गर्भ न ठहरता हो, अर्थात बार बार गर्भ जो है गिर जाता हो, तो उसे मासिक धर्म के बाद शिवलिंग बीज एक बीज से शुरुआत करके प्रत्येक दिन एक एक बीज बढ़ाते हुए, यानी कि पहला दिन है मासिक धर्म ख़त्म हो गया, चौथे दिन पे ख़त्म हो गया, तो 5वें दिन से फिर 1, दूसरे दिन 2, इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते हर दिन बढ़ाते बढ़ाते 21 दिन तक सेवन करने से गर्भ ठहर जाता है और गर्भ जो है गिरता भी नहीं है। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं पुत्रजीवक बीज से, बीज की। शिवलिंग बीज 0.5 ग्राम और पुत्रजीवक बीज 1 ग्राम दोनों को मिला ले। इसे पीस कर बराबर भागे में मिश्री मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से बांझपन की जो भी ये समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो ये इस तरह से संतान प्राप्ति के लिए जो है शिवलिंग बीज का जो है बहुत ही अच्छा उपाय होता है। तो अब जो बात करते हैं डिटेल में, वो बात करते हैं पुत्रजीवक बीज की। तो ये पुत्रजीवक बीज कुछ इस तरह के आते हैं। कड़क बीज होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़क, तो इनको फोड़ के अंदर जो एक गिरी निकलती है उसे आपको लेना है, उसको आपको मिक्सर में से निकाल लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने उसके अंदर की गिरी को जो है निकाल लिया है और उसके जो है पेस्ट बना ली है, वही यूज़ करना है, ना कि उसके ऊपर का जो कवर है उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो पुत्रजीवक बीज के बारे में मैं आपको थोड़ी जो है इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। पुत्रजीवक जो बीज है ना, ये होता क्या है। पुत्रजीवक अपने नाम की तरह संतान प्राप्ति के लिए औषधि के रूप में काम करता है। संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं में रुद्राक्ष की तरह इसके बीज को माला गले में धारण करते हैं। इसके बीजों को तागे में गूंथकर पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्रियां जो है गले में पहनती है और बच्चों के गले में भी पहना दे, जिससे स्वस्थ बने रहते हैं बच्चे भी। इसके बीज का पत्ता या जड़ को दूध के साथ सेवन करने से जो भी बालक मर जाते हैं, जिससे स्त्री के अगर बालक बार बार मर जाते हैं तो वो इस तरह का नहीं होगा, बालक बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो है बहुत ही कठिन रूप में आते हैं, इनके अंदर की जो गिरी होती है वो बहुत ज़्यादा
इस्तेमाल में आती है। तो पुत्र जीवक के जो फ़ायदे हैं तो वो मैं आपको पहले बता दूँ। पुत्र जीवक जो है के गुणों के आधार पर आयुर्वेद में पुत्र जीवक को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से पुरुष और महिला दोनों की यौन संबंधी समस्या और प्रजनन संबंधी समस्या के लिए उपचार स्वरूप इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी कई बीमारियों में लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जैसे कि सिर दर्द में भी ये पुत्र जो बीज है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कफ में भी ये जो है फ़ायदेमंद है। बार बार प्यास लगने से जो एक चलबिलाहट होती है उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। हाथी पाँव की बीमारी में भी ये राहत दिलाता है। फोड़े फुंसी सुखाने के लिए, बुखार से भी ये राहत दिलाता है। और वैसे ही जो है जो पुत्र जीव का सेवन कैसे करना चाहिए, तो इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन पुत्र जीव का तो सेवन कैसे करना चाहिए, हर बीमारी के लिए पुत्र जीव का सेवन करना और इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इस बारे में बताया है मैंने आपको कि इसकी गिरी जो है उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी खास बीमारी के लिए इलाज कर रहे हैं तो अपने जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है उसकी ज़रूर आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है पुत्र जीवक बीज के फ़ायदे हैं। मैं जो है आखिरी में आपको बता देती हूँ कि शिवलिंगी और पुत्र जीवक बीज के जो नुकसान है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि शिवलिंगी बीज का सेवन करने और पुत्र जीवक बीज का सेवन करने से कोई भी दुष्परिणाम अभी तक तो स्टडी में जो है सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी किसी भी औषधि का जो एक उपयोग होता है एक उपयुक्त मात्रा में ही करना चाहिए। अगर आपको बताया गया है कि 1 मिलीग्राम लीजिए तो 1 मिलीग्राम ही लेना चाहिए। उससे अगर आप ज़्यादा करोगे तो उसका तो दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा ही। इसीलिए ऐसी जो ये जो आयुर्वेदिक औषधियाँ इसका अगर आपको बहुत दिनों से आप यूज़ करें फिर भी आपको इसमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपको गर्भधारणा नहीं हो रही है, यौन संबंधी जो भी जो है मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही है, तो आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वो आपको सही मात्रा और जो सही मार्गदर्शन आपको डेफिनेटली करेंगे। तो गाइज ये था शिवलिंगी और पुत्र जीवक बीज का वीडियो। और ये यहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो ये शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवक बीज अगर आपको लेना है तो ये आपको पतंजलि स्टोर पर आराम से मिल जाएगा, किसी भी पतंजलि स्टोर पर। और ये आपको ऑनलाइन भी अगर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर ये वहाँ पर आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। तो गाइज ये थे आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं किसका यूज़ कैसे करना है, तो ये डिटेल वीडियो थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन